वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पीपल. जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे. आज हम पूरे करंट अफेयर्स ऑन अवार्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन द अपकमिंग एग्जाम ऑफ योर CDS एंड NDA. सो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इजीली आंसर हो पाएंगे. इस सेशन के थ्रू वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द अवार्ड सेक्शन. जल्दी जरा इस लिंक को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें. तो आइए जरा शुरू करते हैं जी अवार्ड सेक्शन. उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा रिगार्डिंग माय ऑनलाइन क्लासेस विच आई एम टेकिंग अप ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. 60 प्लस सिलेक्शंस वर देयर इन द CDS 2021 एट दैट टाइम एंड आई एश्योर यू दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्कोर 100 प्लस रादर इट कैन रीच टू 200 ऑल्सो बिकॉज GS में मैं दिक्कत कहीं नहीं आने दूंगा आप लोगों को. NCERT प्रॉपरली कंप्लीट सारी कवरेज करवाई है मैंने हर साइंस में चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे वो हिस्ट्री हो सब चीजें. सो दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट ऑल ऑफ यू पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जाम्स. दे कैन डेफिनेटली नो ऑल दीज थिंग्स. फुल PYQs डेली प्रैक्टिस होगी जी और वो करवाई जा रही है. मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. और अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है वो इस रेफरल कोड को लगा के सब्सक्राइब कर सकता है. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. शुभम जी एवरी वन हेयर. So all of you people can join here the session, live session on these things which we are going to discuss. जल्दी जरा ये लिंक शेयर कर दीजिएगा और सभी लोगों को बुला लीजिएगा जी. एक और चीज जी, 2022 का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहा है 27 मार्च को. फ्री है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है. ये स्कैन करिएगा QR कोड और ज्वाइन करिएगा. Where you are going to get 20 lakh rupees rewards. तो first prize उसमें आपको laptop भी मिल रहे हैं, mobiles, all these things. और ये scan करके आपको subscription भी, 100% scholarship भी मिल सकती है भी. So do appear in that paper that is going to be held on 27th of March. Now let's start the current affairs part, the main part जो हमें discuss करना है आज अपने पेपर के लिए. पक्का आएगा इस NDA के पेपर में. ये सभी को पहले बताना चाहूंगा ये करंट अफेयर्स NDA के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है CDS के लिए और CFF के लिए. हर पेपर में आपको क्वेश्चंस यहां से आएंगे. नंबर वन जी, मेडिसिन में मिला डेविड जूलियस एंड आर्डम पथपाउथिन इन द फील्ड ऑफ टोमेटो सेंसेशन दैट इज द एबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज ऑर्गन सच एज आईज ईयर्स एंड स्किन टू सी एंड हियर. तो याद रखिएगा डेविड जूलियस और पथपाउथिन. अभी डिस्कस करूंगा और याद भी करवाऊंगा आपको कैसे याद करने. नेक्स्ट वन देखिए जी, द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिक्स में सुकारो मनाबे, क्लॉस हेजलमैन, जॉर्जियो पारिसी फिजिकल सिस्टम्स में इनको मिला. फिर उसके बाद केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट, डेविड सी मैकमिलन. क्लीनर वे टू बिल्ड मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेक कंपाउंड्स. उसके बाद पीस के लिए मारिया रेसा, दमित्री मोरतोव. लिटरेचर के लिए अब्दुल रजाक गुरना फॉर इज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन विच इज प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस. सॉरी दिस वन बिल्कुल जी, अब्दुल रजाक का कलोनलिज्म एंड फेट ऑफ रिफ्यूजी इन द गल्फ कंट्रीज. इकोनॉमिक्स में डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेसिस्ट एंड गाइडो. अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस प्रकार आप ये सारे नाम याद कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में कभी भी ऐसा नहीं कि आधा नाम दे. दे आर गोइंग टू पुट अप द फुल नेम. सो व्हाई नॉट टू मेक श्योर कि हम छोटा नाम दे के कैसे याद करें, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कैसे आप ये याद कर सकते हैं. सबसे पहले मेडिसिन में अगर देखो पोता याद रहेगा. पोता पोते को मेडिसिन किसने दिलवाई, डेविड ने. याद रहेगा मेडिसिन और डेविड. आई होप एवरीबडी विल बी एबल टू रिमेंबर. मैंने इस पर शॉर्ट भी बनाया, आपको याद करने का तरीका सारा बताया. इसी प्रकार फिजिक्स में हनुमान से याद आ रहा है हेजलमैन. याद रहेगा मान हेजलमैन. उसके बाद पारसी, हनुमान जी पारसी मनने को मना करते हैं, मनाबे मना. ये तीनों याद रहेंगे फिजिक्स में. उसके बाद केमिस्ट्री में
केमिस्ट्री में लिक्विड्स होते हैं तो मैकमिलन बोतल किसके साथ, बेंजामिन। बेंजामिन अगर आपको याद हो उससे याद रहेगा। उसके बाद तीसरा पीस प्राइस, मारिया और दमित्री, ये दोनों याद रखिए। मैंने इस पे प्रॉपर आपको शॉर्ट भी पहले डाल चुका हूं और मेरे हिसाब से आपको कभी भूल ही नहीं सकते अब ये नोबेल प्राइज। इज एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट देखिए जी, बड़े आगे लिटरेचर के लिए अब्दुल रजाक गुरना, ये भी याद रहेगा, ये तो वैसे ही नाम याद रहेगा, एक डिफरेंट नाम है। और तीसरा इकोनॉमिक्स के लिए डेविड कार्ड, ये क्या इकोनॉमिक्स, जुआ, जोशुआ से जुआ, गुड गाइडो मतलब लूडो और कार्ड्स, ये तीनों याद रहेंगे जी इकोनॉमिक्स में। मेरे को नहीं लगता अब आपको कभी भूलेंगे और ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी पूछता। रिमेंबर ऑल दीज नोबेल प्राइजेस फॉर 2020-21, दे कैन कम इन दिस पेपर ऑफ योर पेपर। नेक्स्ट वन, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको मिला, शिव नादर और मलिका श्रीनिवासन बाय द यूएस बिजनेस काउंसिल, ये भी याद रखिएगा जी, इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट वन, द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल सिंस 2007 इसके द्वारा दिया गया। एशियन फिल्म अवार्ड्स, चैतन्या तमहाने विंस बेस्ट अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले द डिसिप्लिन, मराठी फिल्म थी, ये याद रखना जी आपने। नेक्स्ट वन आइए जी, जल्दी जल्दी जरा इस लिंक को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और देखते रहें। हेल्थ गिरी अवार्ड्स में जो कि इंडिया टुडे ने प्रेजेंट किए, गिवन बाय मनसुख मंदाविया द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ, बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉम्बेटिंग दिस लोकनायक हॉस्पिटल दिल्ली, बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल वॉज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहीं पर है अपना किट्स उधर ही उड़ीसा में, बेस्ट स्टेट कॉम्बेटिंग कर्नाटका, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोनों भारत बायोटेक जिन्होंने कोवैक्सीन दे रहे हैं और ये कोविशील्ड, बेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव केरला को मिला और वैक्सीनेशन ड्राइव बाय स्टेट गुजरात। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पलरी वर्क ड्यूरिंग दिस इज अक्षय कुमार एंड ट्विंकल खन्ना, तो ये याद रखिए हेल्थ के लिए अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए भी। डीआरडीओ का डेयर टू ड्रीम टू यंग साइंटिस्ट अवार्ड, रक्षा मंत्री जो अपने डिफेंस मिनिस्टर गेव 40 विनर्स इन 22 इन इंडिविजुअल कैटेगरी, तो इसमें सारा तो आप याद नहीं रखोगे। थ्री प्रोडक्ट सिस्टम्स ओकेशन इंडिजनसली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ ओवर टू आर्म फोर्सेस वर AR-INC-818 वीडियो प्रोसेसिंग एंड स्विचिंग मॉड्यूल, सोनार परफॉर्मेंस मॉडलिंग सिस्टम एंड बंडल BUN ब्लास्टिंग डिवाइस ऑन दिस पार्ट। सो ये तीन भी देख लीजिएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जो जो इंपॉर्टेंट है बताऊंगा जी। रिसेंटली सूरत को बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए अवार्ड दिया गया एंड कोची वॉज जज द सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दिल्ली रिसीव द अवार्ड फॉर सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम और द चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड नागपुर मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन विद मेट्रो रेल वॉज फाउंड टू बी द बेस्ट इन द कंट्री, ये भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आइए, डीआरडीओ डेयर टू ड्रीम हमने पढ़ लिया जी, ये सारा, ये पक्का ना शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, हाईएस्ट साइंस अवार्ड है इंडिया का, क्लियर है, प्रेजेंटेड टू 11 साइंटिस्ट और ये किस के द्वारा दिया जाता है, डायरेक्टर ऑफ CSIR के नाम पे, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 ये दान प्राइज, रुक्मिणी बनर्जी, लिखते जाइए कॉपी पे, सिर्फ नाम लिखना है, एंड प्रोफेसर एरिक हानुसेक फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क दैट एड्रेसेस अ क्रूशियल साइंस एंड एजुकेशन पजल। नेक्स्ट आइए जी, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन इज कन्फर्ड टू शिलोंग चैम्बर कोयर एंड असम ब्रांच ऑफ कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, राइटर निरोध कुमार बरुआ बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको दिया गया जी। साकरोव प्राइज, रशियन ऑपोजिशन लीडर एलेक्सी वाज अवार्डेड द यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट प्राइज, ये पक्का याद रखे जी, यूरोपियन यूनियन ने दिया एलेक्सी नेवलानी को
जो कि रशिया के ऑपोजिशन पे हैं, इनको जेल में, इनको मिला प्राइस। सो विल बी प्रेजेंटेड एट सेशन एट यूरोपियन पार्लियामेंट इन स्ट्रासबर्ग फ्रांस। एक अफगान वुमेन को भी मिला, ग्रुप ऑफ अफगान वुमेन इम्प्रिजन बोलीवियन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर इंटरिम प्रेसिडेंट जेनीज़े एनीस को भी। ये ईयू अवार्ड देता है किनको, वो सोवियत यूनियन के डिसेंडेंट्स को, क्योंकि ये जो साकारोव थे वो रशिया के खिलाफ थे, इन्हीं के रशिया के लोग, उनके नाम पे ईयू ने, जैसे नेटो को आपको पता है यूरोपियन यूनियन बैक्ड है और बाय यूएस बैक्ड, तो उनके जो रशिया के खिलाफ बोलते हैं उनको प्राइज दिए जाते हैं, इस प्रकार का ये कुछ है। नेक्स्ट आइए जी, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको मिला, हंगेरियन फिल्म डायरेक्टर इस्तेनवाज सबजबो, एन अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर स्क्रीन राइटर एंड सब कुछ है जी मार्टिन स्क्रोसो, ये भी याद रखिए इम्पोर्टेंट है। 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में हुआ, ओल्डेस्ट एंड इंडियाज बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल, सो जॉइंटली बाय द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा। ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल इज टू बी हेल्ड अलॉन्ग साइड इट, द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड डायरेक्टेड बाय कार्लोस सुआरो सिलेक्टेड एज ओपनिंग फिल्म एंड हेमा मालिनी कन्फर्ड द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। तो ये थे जी अक्टूबर के करंट अफेयर्स, जल्दी ज़रा नवंबर के देखेंगे जी। एनुअल बर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया पैका पैका ताउरा ऑफ न्यूजीलैंड, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट सायरन गया था जी, द हिंदू को अवार्ड मिला ये प्रोजेक्ट सायरन पे अवार्ड, हुआ कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस ऑन प्रोजेक्ट सायरन स्कोर कार्ड्स मेजरिंग रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग ऑन सुसाइड बिटवीन जून 2022। तो ये इनिशिएटिव किसका, मल्टी मेंटल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी का जी। नेक्स्ट आइए बेली गिफर्ड प्राइज, पैट्रिक रदेन कीव्स एम्पायर ऑफ पेन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स को दिया जाता है फ्रॉम एनी कंट्री इन करंट अफेयर्स हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड ऑल। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया हेमा मालिनी को जी, ये हमने पढ़ी लिया अभी। हुनर हाथ प्रगति मैदान में अभी लगा। 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में जो बेस्ट सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर दिया गया जितेंद्र बिखुलाल जोशी को, बेस्ट एक्टर एंजेला मोलिना ऑफ पैराग्वे। इनमें यही ज़्यादा याद रखना और कुछ नहीं, मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग उत्तर प्रदेश, ये इन पे फोकस करिएगा। नेक्स्ट है जी इनलैंड फिशेज के वर्ल्ड फिशरीज डे जो कि 21 नवंबर को मनाया जाता है। आंध्रा प्रदेश को हैज बीन नेम्ड द बेस्ट मैराइन स्टेट इन द कंट्री बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। इनलैंड स्टेट्स में सबसे पहले तेलंगाना आता है, उसके बाद त्रिपुरा फॉर हिली एरियाज एंड द नॉर्थ ईस्टर्न, बेस्ट मेराइन डिस्ट्रिक्ट बालासोर दैट इज इन उड़ीसा, एंड इनलैंड डिस्ट्रिक्ट बालाघाट एंड बोंगाईगांव इन असम। जस्ट चेक आउट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड एडवेंचर अवार्ड प्रियंका मोहिते बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लैंड एडवेंचर, ये याद रखेगा। 17 किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज, ये दो इंडियंस को मिला, विहान एंड नव अग्रवाल, दोनों ब्रदर्स हैं। तो वन स्टेप ग्रीनर इनिशिएटिव फॉर सेग्रीगेटिंग रबिश एंड ऑर्गेनाइजिंग वेस्ट पिकअप्स फ्रॉम ट्रैश एंड थाउजेंड्स फॉर फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ होम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट 110% श्योर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2021 प्रथम जो हर साल निकालती है ACR रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, पक्का याद रखेगा इंदिरा गांधी प्राइज। ये हर बारी UPSC पूछता किसी ना किसी CDS के पेपर में, NDA के पेपर में और CAPF के पेपर में। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स देख लीजिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए पेपर, समझ गए जी, इनको देख लीजिए पर ये पूछने नहीं वाला, और देखना भी सिर्फ बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस, दैट्स इट। नेक्स्ट आइए 6th ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2021 अवार्ड, क्लियर है जी, 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा में मिला। बेस्ट फिल्म साउथ अफ्रीका की फिल्म है बरकत, एमी जेफ्ता, रशियन फिल्म द सन अबव एम,
इसमें कोई अगर इंडियन है उसको देख लीजिए, इंडियन एक्टर धनुष को मिला बेस्ट एक्टर फिल्म फॉर असुरान, दैट्स इट, नथिंग एल्स यू नीड टू रिमेंबर कि चाइनीज ये ब्रेड इनके नाम नॉट एट ऑल। और ये 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में ही हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स का भी। रामनाथ कोविंद आर प्रेसिडेंट, गैलेंट्री अवार्ड इन्होंने दिए हैं अभी अभी, ये पक्का याद रखिए, वीर चक्र कैप्टन अभिनंदन वर्तमान, कीर्ति चक्र सपर प्रकाश यादव, शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर दौंडियाल एंड मेजर महेश कुमार भूरे, ये दोनों याद रखिएगा जी, तीनों ही। वीर चक्र मिला अभिनंदन वर्तमान को और कीर्ति चक्र मिला सपर प्रकाश यादव को। लाडली अवार्ड्स दिस ईयर, द एनुअल अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड टू 98 विनर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री प्रेजेंटिंग 10 लैंग्वेजेस। अ कंपेन दैट वर्क्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड जेंडर इक्वलिटी इज एन इनिशिएटिव ऑफ पॉपुलेशन फर्स्ट। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर पक्का आप फोकस करिए और याद रखिएगा, पक्का पक्का आएगा जी, जिसका नाम है एम मुकुंदन फॉर इस बुक दिल्ली असोलिको है, ये भी याद रखना है। यूनेस्को अबू पीस मीडिया अवार्ड रिसीव्ड बाय दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती कि ये एक्सलेंस इन क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन। यूनेस्को जो पीस मीडिया प्राइज है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग अंडर टुगेदर फॉर पीस इनिशिएटिव के तहत मिलता है और कोलालंपुर में हुआ है, इसमें सिर्फ इतना याद रखना इसको मिला जाए। जितने भी हो सके साइड बाय साइड लिखते जाइए। टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड तमल बंदोपाध्याय जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के राइटर हैं कॉलमनिस्ट हैं और इस बुक पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। नेक्स्ट कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज बाय एसोकैम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश पादुकोन हैज बीन सिलेक्टेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा। 12th मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर 2020 बेरिल थंगा, नॉट इम्पॉर्टेंट। नाइटहुड ऑफ द पार्टी गोल्फा एस के सोहन रॉय फ्रॉम केरला, फाउंडर ऑफ एरीज एंड ग्रुप ऑफ दिस थिंग, फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द नाइटहुड ऑफ पार्टी गोल्फा फॉर इज ह्यूमैनिटेरियन एंड एनवायरमेंटल एफर्ट्स इन बिजनेस, एंड ये भी याद रखिएगा जी। एक्सलेंस इन जर्नलिज्म श्रीनिवासन जैन एंड मरियम अलावी ऑफ NDTV, लक्ष्मी सुब्रमण्यम एंड भानु प्रकाश चंद्रा ऑफ द वीक IPA अवार्ड्स, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर ए पेपर। ये बुकर प्राइज अगर आपको याद हो पेपर में आया भी था इस बार ये FCAT में भी, डेमन गॉलगोट पक्का मार्क करिए, द प्रॉमिस DG याद रखिएगा, बेस्ट बुकर जो बुकर प्राइज 2021 मिला किनको मिला, DG को, डेमन गॉलगोट। और नेक्स्ट वन अगर देखें भासव श्री अवार्ड 2021 पुनीत राजकुमार को, ये भी पक्का फोकस करिए। नेक्स्ट आइए अवार्ड्स दिसंबर करंट अफेयर्स के। ज्ञानपीठ अवार्ड 110% श्योर गोइंग टू कम इन योर डिफेंस पेपर, इन योर NDA पेपर, इन योर CDS पेपर, लिख के ले लीजिएगा आएगा। 56th ज्ञानपीठ अवार्ड नीलमणि फुकन और 57 दोनों दिए इस बारी दमोदर मोजो, याद रहेगा ये दोनों, पहला नीलमणि है जी 56th, 57th दमोदर मोजो, 21 का भी और 20 का दोनों इकट्ठे दिए। सो प्लीज डू रिमेंबर दीज 56th एंड 57th, पक्का दोनों में कंफ्यूज करके बनाएगा जी, क्योंकि ये हिंदुस्तान का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है, साहित्य अकेडमी से भी ऊपर ये है जी। DM दमोदर मोजो और नीलकणि, D बाद में आ रहा है, N पहले आ रहा है, इसमें याद रखिएगा। सुशीला देवी अवार्ड अनुकृति उपाध्याय फॉर हर बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन नॉवल। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड वैराल सुधीरा भाई देसाई, ये भी मार्क कर लीजिए, मार्क करके रखिएगा यार, ग्रीन मैन ऑफ गुजरात देसाई गुजराती को मिला ग्लोबल एनवायरनमेंट अवार्ड। नेक्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड्स अभी अभी जो दिए गए, मिस गोखले फॉर हर नॉवल थिंग्स टू लीव बिहाइंड इन इंग्लिश,
मिस पुजारी, एयात इखान, अरण्या आसल असामी। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मेघा मजूमदार विंस इन इंग्लिश फॉर अ बर्निंग। बाल पुरस्कार अनीता वचरजानी इन इंग्लिश फॉर अमृत हर बुक अमृता शेर की रिबेल विद अ पेंट ब्रश। और देवेंद्र मेवाड़ी फॉर द प्ले टाइटल नाटक नाटक में विज्ञान। ये याद रखिएगा जी, आ सकते हैं जी। ये तो पहले ये युवा पुरस्कार में आपको याद रखना मेघा मजूमदार इंग्लिश में फॉर अ बर्निंग, ये LSR की पढ़ी हुई कन्या है। और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिस गोखले और मिस पुजारी, ये दोनों याद रखना जी। गोखले जी पुजारी बने पड़े हैं अकेडमी में, पक्का याद रखें। और बाल साहित्य में भी चेक करिए, मार्क करिए, याद रखिए। दानिश सदीकी जो कि एक फेमस वो हैं क्या, फोटो पोस्टमसली अवॉर्डेड एज जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर फॉर 2020 बाय मुंबई प्रेस। ये भी इंपॉर्टेंट है जी, फोर्थ कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 किसको मिला, दिनयार पटेल फॉर नारोजी अ पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। दादा भाई नारोजी आपने सुना ही होगा, उनकी बायोग्राफी पे लिखी है, नारोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म दिनयार पटेल ने लिखी है। और इनको मिला कमला देवी चट्टोपाध्याय। और कमला देवी चट्टोपाध्याय अगर आपके हिस्ट्री में NCERT में पढ़ा हो, गांधी को कन्विंस करने वाली कि दांडी मार्च में औरतों को भी पार्टिसिपेट करवाया जाए, वो यही थी। और ये आपके 2021 में पेपर में आया था आपके CDS में, इफ यू रिमेम्बर। आइए जरा आगे बढ़े, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, अंजू बॉबी जॉर्ज याद रखिएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने दिया इनको। ओलंपिक चैंपियन एलिन थॉम्सन हेरा मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड इन फुटबॉल बाय द फ्रेंच न्यूज मैगजीन फ्रांस फुटबॉल देती है। स्ट्राइकर ऑफ द ईयर एंड द क्लबर ऑफ द ईयर, ये दो न्यू चीजें ऐड की गई हैं, ये और क्लब ऑफ द ईयर। अगर देखें बैलेंडोर मैन में लियोनल मेसी याद रखेगा, और वेमेन में एलेक्सा याद रहेगा, एलेक्सा इससे याद भी रहेगा। कोपा ट्रॉफी फॉर द यंग मेल प्लेयर पेद्री, क्लब ऑफ द ईयर चेल्सी है और स्ट्राइकर ऑफ द ईयर लेवनोस्की। याशिन ट्रॉफी फॉर बेस्ट गोलकीपर गेंगलियन गंडी। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन निज़ामुद्दीन बस्ती को मिला, जो कि दिल्ली में निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास बस्ती जो है उसके लिए। अवार्ड फॉर एक्सीलेंस प्रेस्टीजियस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन द स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैटेगरी। नेक्स्ट है जी DST ICTP IMU रामानुजन प्राइज, पक्का याद रखना, ये भी आ सकता है जी। नीना गुप्ता मैथ्स में रामानुजन आपने सुना कि यंग मैथमेटिशियन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज से मिलता है। नीना गुप्ता जो कि इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता से मिला, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी ये प्राइज़ के बारे कब शुरू हुआ क्या, कहीं पेपर में नहीं आना। नेक्स्ट आइए फर्स्ट किप्रियन फायोस प्राइज, ये भी याद रखना जी। निखिल श्रीवास्तव हैज़ बिन जॉइंटली सिलेक्टेड फॉर द इनॉग्रल कैप्रियन फेयोस प्राइज फॉर हाईली ओरिजिनल वर्क इन ऑपरेशन थ्योरी ऑपरेटर थ्योरी बाई अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी ने दिया निखिल श्रीवास्तव को। अभी 2020 में ही शुरू हुआ था ये, पहला इनको मिला इंडियन को कैप्रियन फेयोस प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। रॉयल मेडल 2022 इसका याद रखेगा, बालकृष्ण दोषी अहमदाबाद बेस्ड है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने दिया, फॉर आर्किटेक्चर ही मिलता है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द पकिट्सर प्राइज फॉर आर्किटेक्चर इन 2018, वेरी इंपॉर्टेंट। बालकृष्ण दोषी किस फील्ड से रिलेटेड है ये भी पूछ सकते हैं, ही इज बेसिकली रिलेटेड टू आर्किटेक्चर और ये क्वीन एलिजाबेथ देती है। गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्राइज सेल को मिला, ये भी इंपॉर्टेंट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी आ सकता है। कुमार मंगलम बिरला को मिला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, इट इज़ द फर्स्ट
ही इज द फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट टू रिसीव द अवार्ड। ये सब के सब मेरे भाई जो जो बता रहा हूँ इनको साथ साथ जॉट डाउन करते जाइए और लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए। अगर आप लोगों को ये अच्छे लग रहे हो प्लीज़ शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब भी करवाइएगा। ये भी पक्का जी, ये अभी अभी ये प्राइज़ का नाम पूछ सकते किस कंट्री ने मोदी जी को दिया, भूटान ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सेजर दे ऑनर ऑस्कर कैट ब्लैंकेट विल बी फैसिलिटेटेड विद द फ्रेंच सिनेमा स्टॉप ऑन। आखिरी जनवरी के देखेंगे जी जेनेसिस प्राइज जो कि $1 million प्राइज है, विजर के चेयरमैन एल्बर्ट बोरला को दिया गया। इसको ज्यूइश नोबेल प्राइज कहा जाता है। मार्क ट्वेन अवार्ड कॉमेडियन एंड टॉक शो इन्फ्लुएंसर जॉन स्टीवर्ट को दिया गया। ये सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधक पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को मिला इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। इंडिविजुअल कैटेगरी में विनोद शर्मा जो कि वाइस चांसलर ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट सिक्किम के। नेताजी अवार्ड पक्का मां करिए किसको मिला, शिंजो एबे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान को दिया गया। ये जी अवार्ड्स देख लीजिएगा, आई वॉन्ट एवर से कि इसको फोकस करें, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट PS विनोद राज डायरेक्टर कुजंगल, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया एशियन फिल्म कंपटीशन सेक्शन एट ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। पद्मा अवार्ड्स देख लीजिएगा, पद्म विभूषण जो कि हाईएस्ट ऑनर, पद्म विभूषण फिर पद्म भूषण फिर पद्मश्री, तो प्रभा अत्रे को मिला फॉर आर्ट, राधे श्याम खेमका लिटरेचर एंड एजुकेशन, बिपिन रावत सिविल सर्विस डिफेंस सर्विसेज में, कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर्स में। देन पद्म भूषण दिया गया गुलाम नबी आज़ाद पब्लिक अफेयर्स में, JNK के जो हैं कांग्रेस के हैं पर मिला इधर से है, विक्टर बनर्जी आर्ट्स, गुरमीत बाबा पंजाब से आर्ट के लिए, बुद्धादेव बैटरचार्य जी सिर्फ देखिएगा जी, देवेंद्र झांझरिया आपको पता है स्पोर्ट्स में तो ये पता होना चाहिए। इसी प्रकार राजीव महर्षि आपने बार बार सुने होंगे, CAG भी रहे हैं। सत्य नडेला आपको पता ही है, सुंदर पिचाई साइरस पूना वाला ये फेमस नाम है, बाकी भी एक बार जरूर देखिए। और जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया लेने से प्राइस वो भी याद रखना, बुद्धादेव भट्टाचार्य जी एंड नमुद्री पद, इन दोनों ने ये EMS नमुद्री पद दे रिफ्यूज द अवार्ड। बेस्ट फीफा अवार्ड्स रॉबर्ट लेवंडोव्स्की जो कि बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड मैन में मिला, रॉबर्ट लेवंडोव्स्की। इन द वर्ल्ड वीमेन के लिए एलेक्सा, ये दोनों नाम याद रखिएगा। फीफा पुस्कास एरिक लमेला, गोलकीपर एडवर्ड मैंडी एंड क्रिस्टीना एंडला, और उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो करियर अचीवमेंट एंड बेस्ट कोच थॉमस टुकल एंड एमा। अशोक चक्र किसको मिला, बाबू राम ऑफ JNK पक्का याद रखिएगा, परम विशिष्ट सूबेदार नीरज चोपड़ा, और शौर्य चक्र थर्ड हाईएस्ट जो है कन्फर्ट टू 12 पर्सनल। नेशनल वाटर अवार्ड जो कि हम किसको मिला, उत्तर प्रदेश देन राजस्थान देन तमिलनाडु। सब के सब अगर पेपर में कोई भी ऑप्शन है UP, क्योंकि UP इलेक्शन थे तो सब अवार्ड वहीं पे दिए गए हैं मैक्सिमम। अर्बन लोकल बॉडी वापी अर्बन लोकल बॉडी को मिला, मीडिया में मिशन पानी गवर्नमेंट हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेल्सपन गुजरात में, इंडस्ट्री फॉर CSR इनिशिएटिव ITC, इनको देख लीजिएगा। इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के तहत बेस्ट क्राफ्ट विलेज केरला का विलेज है जी कोवलम, क्राफ्ट आइकन चंद्रमोली लियांगल है श्रीलंका में, इन पे जो इंडियंस हैं उन पे देखना है आपको। DPIIT's नेशनल स्टार्टअप कर्नाटक रिसीव्ड हाईएस्ट अवार्ड्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड किसको दिया गया, ये पक्का नया जो 2022 का हर्षाली मल्होत्रा, मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के। तो ये थे जी आपके करंट अफेयर्स। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट यू कैन ज्वाइन ऑन तक्षला क्लासेस ऑल्सो, वी आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। If anybody want to join the offline classes, you can definitely join us. So thank you. Jai Hind, everyone.